नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है आपका ऑनलाइन स्पेशल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल से हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है बायोलॉजी, उसका कल हम लोगों ने पूरा बेसिक देख लिया है। आज से हम लोग जो है मेन जो है टॉपिक कवर करते चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे कोशिका एवं कोशिका संरचना, इंग्लिश में जिसे सेल एंड सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिन जिन एग्जाम में कवर होगा टॉपिक, सिलेबस में जिन जिन में मिलेगा आपको ये, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की या पुलिस विभाग की या अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जहाँ साइंस पूछा जाता है, वहाँ आपको ये सब काम आने वाला है। तो बने रहिए आप ऑनलाइन स्पेशल के साथ। दोस्तों एक बात याद दिलाना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस किए ताकि वीडियो की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपके पास हो। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सेल स्ट्रक्चर की बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। बेसिक चीज़ें दोस्तों, कोशिका कोशिका की खोज पहली बार किसने की थी? वैज्ञानिक जो है थे रॉबर्ट हुक थे, 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ से बनी होती है जिसके जीव द्रव्य कहते हैं। मतलब कोशिका एक प्राणदायक पदार्थ, लिविंग ऑब्जेक्ट से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, कोशिकाएं द्रव्य तथा कोशिकाएं केंद्रक द्रव्य। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य, दो भागों में बटा हुआ है। संख्या, आकृति एवं आकार की में कोशिकाएं न केवल भिन्न जीवों में बल्कि एक ही शरीर में भिन्न अंगों की तरह होती है। तो ये आकार जो बॉडी के स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, और एक ही बॉडी में अलग अलग तरीके की भी हो सकती है। छोटे जीवों में कोशिकाओं की संख्या सीमित होती है, जबकि बड़े जीवों में यह खरबों की संख्या में हो सकती है। मानव शरीर की बात करेंगे तो कोशिकाओं की संख्या 10 नील या 10^14 के लगभग होती है, इतनी जो है अपनी बॉडी में पाई जाती है। कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे, सेल थ्योरी की बात करेंगे, तो इसका प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838 से 39 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या कहता है सुन लीजिए दोस्तों, जीवधारियों के शरीर की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, पहली चीज इन्होंने कहा। दूसरा है, इन्होंने कहा एक कोशिकीय जीवों के अतिरिक्त सभी जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। तीसरी बात इन्होंने कही, प्रत्येक कोशिकाओं के एक स्वाधीन इकाई होने के बावजूद सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, तो सभी एक साथ जो है ये कार्य करती है। सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो कोशिकाएं भिन्न आकार की हो सकती हैं, जैसे बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार इत्यादि। सभी कोशिकाएं के तीन मुख्य अंग है, सभी कोशिकाएं उनके तीन मुख्य अंग है, पहला कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। तो ये तीन चीज़ों जो है मिलके बनी हुई है। सबसे छोटी कोशिकाएं माइकोप्लाज्म गेली सेप्टिकम, जबकि सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्र की बात करेंगे तो न्यूरॉन है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों ध्यान रखें आप। आगे देखेंगे कोशिका झिल्ली की बात करेंगे दोस्तों, तो सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, यह एक पतली अर्धपारगमीय झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी कोशिकाएं अवयव घिरे होते हैं। यह झिल्ली वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। इसमें चयनात्मक पारगम्यता यानी सिलेक्टिव परमेबिलिटी का गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा यह वंचित पदार्थों को अंदर बाहर जाने देते हैं, जबकि अवंचित पदार्थ की कोशिकाओं के अंदर जाने से रोकता है। मतलब फिल्टर की तरह ये काम करता है, तो कुछ चीज़ें जो है अंदर जाएगी और बाकी की जो है यहाँ रुक जाएगी। अगला देखेंगे, इसे कोशिका का दरबान या गार्ड भी कहते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कोशिकाएं कला एक अतिरिक्त परत से घिरी होती है, जिसे कोशिकाएं भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। कोशिकाएं भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। कोशिका भित्ति के कारण ही पौधों में स्थानांतरित गति या ट्रांसलेशन मोशन संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि किसकी वजह से नहीं है, तो कोशिका भित्ति की वजह से नहीं है। आगे सेल्यूलोज की बात करें, केंद्रक की, तो कोशिका के मध्य स्थित संरचना को केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया। ये गोलाकार व अंडाकार संरचना का होती है, इसके द्वारा सभी कोशिका गतिविधियों का नियंत्रण होता है। केंद्रक का निर्माण केंद्र कला, केंद्र द्रव्य, केंद्रिका तथा केंद्र जाल के द्वारा होता है। ये केंद्रक की बात हो रही थी। अब केंद्र द्रव्य की बात करेंगे, तो कोशिका के अंदर केंद्रक को घेरे हुए पारभाषी चिपचिपे द्रव्य को कोशिकाएं द्रव्य कहते हैं। इसमें भिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं, एंजाइम्स, लवण, प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट इत्यादि ये होते हैं। आगे देखें, कार्बनिक पदार्थों के अतिरिक्त इसमें अनेक संजीव रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं या ऑर्गनलेस कहते हैं। कोशिकांग के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालीय राइबोसोम, माइक्रोकोन्ड्रिया, लवक, गालजिकाए, लाइसोसोम,
तारकाय तथा रसधारणीय इत्यादि आते हैं। आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करेंगे दोस्तों इसकी खोज अल्टमान के द्वारा किया गया। इसके इसके एंजाइम द्वारा कोशिका श्वसन होता है, इससे ऊर्जा पैदा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो दोस्तों क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आहार अणुओं की ऊर्जा को एटीपी से में संग्रहित कर देते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा का स्रोत होता है। तो एटीपी या पावर हाउस ऑफ द सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखें। राइबोसोम की बात करेंगे तो इसकी खोज पेलेट द्वारा की गई थी। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाता है, का बना होता है दोस्तों, ध्यान रखें। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, इसके लिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो इसको जो है आरएनए को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। गोल्गी एपरेटस की बात करेंगे तो इसकी खोज गोल्जी ने की थी। इसकी इसमें खोखली चपटी नली होती है, यह प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ को वहन करने का कार्य करता है। अतः इसे हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधन या डायरेक्टर ऑफ मॉलिकुलर ट्रैफिक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्गी एपरेटस, ध्यान रखें इसको भी। आगे देखेंगे तारकाय की बात करेंगे तो इसकी खोज टी बोबेरी ने की थी। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक की बात करेंगे, यह मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह अवणी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों ये। आगे अवणी लवक पौधों के जड़ों एवं भूमिगत तनों में पाया जाता है। यह स्टार्च कणिकाओं व तेलीय बूंदों का निर्माण तथा संग्रहण करता है। अवणी लवक पौधों के रंगीय भाग में पाया जाता है। हरित लवक का रंग हरा होता है क्योंक्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो वो किसकी वजह से बनाते हैं? हरित लवक की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस होता है। रिक्तिकाएं की बात करेंगे, इसका मुख्य कार्य भोजन पदार्थ का संग्रहण। यह अर्धपारंगे में झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। कोशिकाओं के प्रकार देख लेते हैं, टाइप ऑफ सेल देखते हैं दोस्तों एक नज़र में हम। केंद्रक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, असीम केंद्रक और ससीम केंद्रक। असीम केंद्रक की बात करेंगे तो इस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। कई महत्वपूर्ण कोशिकाएं जैसे हरित लवक, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया का भी अभाव होता है। यह जीवाणु तथा नील हरित श्वैलात या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। आगे दूसरे की बात करें, सेकंड की, तो समी केंद्रक की बात करेंगे। इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें विकसित कोशिकाएं जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए, लवक, तारकाए इत्यादि उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन सम सूत्र या अर्धसूत्रण द्वारा होता है। सेल डिवीजन की बात करेंगे, किसी एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन। तो सिंगल लैंग्वेज में आपको जो है इजी लैंग्वेज में यहाँ पर सब आपको डेफिनेशन मिल जाएगी दोस्तों। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक एवं सरीसृप ट्राइट्यूलस मस्कुलस या ट्राइट्यूलस मस्कुलोसा में देखा। यह तीन प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो दोस्तों साथ ही साथ वैज्ञानिक को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीधे सीधे पूछ लिया जाता था कि इसकी खोज किसने की थी। तो वैज्ञानिक के नाम भी आप ध्यान रखें। असूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे तो यह विभाजन कम विकसित एक कोशिका जीवों में पाया जाता है। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य। आगे हम लोग जो डिफरेंशिएशन की बेसिस पे दोनों को कवर करते हैं, समसूत्री व अर्धसूत्री की बात करेंगे। समसूत्री में देही कोशिकाएं में होती है, ये प्रजनन कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या समान होती है, गुण सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। दो संतति कोशिकाएं, चार संतति कोशिकाएं होती है। जीन की अदला बदली नहीं होती है, ध्यान रखिए जीन की अदला बदली होती है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखें, समसूत्री यहाँ पर जो है समसूत्री है विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन है। तो सीधे सीधे सवाल पूछ जाता था कि किसमें जीन की अदला बदली होती है, किसमें जीन की अदला बदली नहीं होती। शारीरिक वृद्धि के लिए, प्रजनन के लिए, संतति कोशिकाओं के लिए गुण सूत्र जनन कोशिकाएं की तरह होती है, और संतति कोशिकाओं में गुण सूत्र जनन कोशिकाओं से भिन्न है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला हमारे पास आखिरी है पादप व जंतु कोशिकाएं का अंतर देख लेते हैं। तो पादप व जंतु कोशिकाएं भित्ति उपस्थित, और यहाँ पर जो कोशिका भित्ति अनुपस्थित। अधिकांश पौधों में अपरहित अपरहित नहीं पाया जाता है। रिक्तियाँ बड़ी होती है, रिक्तियाँ छोटी होती है। स्ट्रोंजोम नहीं पाया जाता, और स्ट्रोंजोम यहाँ पर कुछ जंतु में पाया जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहाँ तक रहेंगे। यहाँ विशेष तथ्य हम लोगों ने यहाँ देखे हैं,
कोशिका एवं कोशिका संरचना के बारे में हम लोगों ने जाना है। इसके पिछले 15 वर्षों में जो सवाल पूछे गए थे उसको अगले भाग में हम लोग कवर करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ दोस्त आपको बताना चाहूँगा, लाइव क्लास का टाइम ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज चल रही है, 12:15 पर जो है टेस्ट सीरीज में आप भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। चेक करें आपकी कितनी तैयारी चल रही है सिर्फ ऑनलाइन स्पेशल पे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपके पास हो। वीधियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।